ये जो क्वेश्चन है ये गेट मैथमेटिक्स नॉन इंजीनियरिंग वाला जो मैथमेटिक्स का गेट का एग्जाम होता है उसके ईयर 2001 में आया था, और ये क्वेश्चन 1.1 है, यानी कि पहला ही क्वेश्चन है। और आपको यहाँ जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है, द आइगन वैल्यूज ऑफ 3x3 रियल मैट्रिक्स पी आर 1-2, 3, ये है। तो आपसे पूछा गया है कि पी इनवर्स को हम पी की टर्म्स में किस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पी की टर्म्स हैं। तो पी इनवर्स को पी की टर्म्स में, पी इनवर्स को हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ पी, तो ये आपसे पूछा गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता था तो हम क्या करते थे कि हमें मैट्रिक्स गिवन होता था और मैट्रिक्स की हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरेट कर लेते थे या फॉर्म कर लेते थे, और उसमें केले हैमिल्टन थ्योरम जो ये कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स यानी कि जिसके लिए वो इक्वेशन है वो मैट्रिक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और फिर हम एक सुटेबल उसी मैट्रिक्स से जैसे उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देते थे, क्योंकि जहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था उसको जब उससे मल्टीप्लाई कराएंगे इनवर्स से तो हमें इनवर्स फॉर्म हो जाता था, बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड ले जाते थे। तो वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में यानी कि पी के या जो भी मैट्रिक्स का नेम होगा उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते थे। लेकिन यहाँ पर तो मैट्रिक्स गिवन नहीं है, तो जब मैट्रिक्स गिवन नहीं है तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरेट कैसे करेंगे या फॉर्म कैसे करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो हमसे पी इनवर्स पूछा गया है कि वो किस फॉर्म में होगा, वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। खैर ये तो बात है कि चारों में चार ही ऑप्शंस हैं तो इनमें से एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो आइगन वैल्यूज हैं ये भी हमें बता रही हैं कि वो जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है, और आइगन वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब जब हमें रूट्स जो आइगन वैल्यूज होते हैं उसको आइगन रूट्स भी बोलते हैं, तो जब हम अपने स्कूल लेवल में करते थे जो अगर हमें पॉलिनोमियल्स के रूट पता होते थे उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट कर लेते थे, जैसे एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा एक पॉलिनोमियल के दो रूट हैं, तो इसका जो मतलब एक्सप्रेशन होता था वो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे कि एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, इस तरह से भी इससे भी यही आता है, तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे ही, तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि हमें रूट्स गिवन है, तो रूट्स गिवन है तो जैसे कि यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर होता था और एक्स माइनस बीटा बाय फैक्टर थ्योरम भी समझ सकते हैं आप। तो ऐसे ही लैम्डा लैम्डा के टर्म्स में ले लेते हैं एक्स के टर्म में, उससे कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हम आइगन वैल्यूज को नॉर्मली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए लैम्डा के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो लैम्डा इक्वल टू 1, यहाँ पर आइगन वैल्यू दे रखा है तो लैम्डा -1 इसका एक फैक्टर होगा, ऐसे ही लैम्डा इक्वल टू हमें -2 दे रखा है तो लैम्डा +2 उसका दूसरा फैक्टर होगा, और लैम्डा इक्वल टू 3 दे रखा है तो लैम्डा -3 उसका एक और फैक्टर होगा। तो इससे इसके हेल्प से इन हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया था इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब हमें ये मिल गया है, इधर ये इक्वेशन मिल गया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन जिसे मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चाहे इन दो को ले लीजिए या इनको ले लीजिए, तो किसी को भी हम इसके फॉर्म में आसानी से लिख लेते हैं। तो लैम्डा -1 और ये क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स यानी कि लैम्डा स्क्वेयर और सम क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा, क्योंकि सम क्या हो जाएगा इनका माइनस सॉरी इनका जो सम है
वो होगा प्लस वन, लेकिन यहाँ पर जो आता है नेगेटिव साइन होता है इसलिए नेगेटिव आ गया, और फिर प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस सिक्स हो जाएगा, तो ये इक्वल टू जीरो। अब हमें इससे मल्टीप्लाई कराना होगा, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वेयर माइनस सिक्स लैम्डा, माइनस वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लैम्डा स्क्वेयर प्लस लैम्डा और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो लैम्डा क्यूब ये यहाँ पर लाइक टर्म है ये और ये, तो माइनस टू लैम्डा स्क्वेयर ये और ये लाइक टर्म है, तो माइनस फाइव लैम्डा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा केयर इक्वेशन आया वो लैम्डा क्यूब माइनस टू लैम्डा स्क्वेयर माइनस फाइव टाइम्स लैम्डा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो मेरा आया, यानी कि मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन जनरेट कर लिया, और ये हायर एक्सपोनेंट से लोअर एक्सपोनेंट में है जो कि ठीक है। अब केले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि मैट्रिक्स अपने कैर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि पी क्यूब माइनस टू टाइम्स पी स्क्वेयर माइनस फाइव टाइम्स पी प्लस सिक्स टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या है, जीरो भी करेक्ट साइज का है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेक्ट साइज की होगी वैसे जीरो भी उसका करेक्ट साइज का होगा। तो अब ये हमें मिल गया है, अब मैं इस इक्वेशन में क्योंकि मुझे पी इनवर्स चाहिए था, तो पी इनवर्स लाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो यहाँ पर पी इनवर्स आ जाएगा क्योंकि पी इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वेयर माइनस टू पी माइनस फाइव आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस सिक्स पी इनवर्स इक्वल टू जीरो। तो मुझे पी इनवर्स चाहिए था, तो ये रहेगा, तो ये वन अपॉन सिक्स, बाकी सारी टर्म्स इधर की तरफ ट्रांसपोज हो जाएंगी, तो यानी कि पी स्क्वेयर तो इधर आके माइनस पी स्क्वेयर हो जाएगा, फिर आपका आएगा टू पी इधर आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा टू पी, और यहाँ पर आएगा फाइव टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये मेरा पी इनवर्स मिल गया है। तो हो सकता है कि जो टर्म्स हैं वो आगे पीछे भी दे रखी हैं, तो वो तो हम मैच कर लेंगे किस में है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले है फिर पी है और फिर पी स्क्वेयर है, तो किससे मैच कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो इसके जो कोफिशिएंट आप देख सकते हैं ये है फाइव, सिर्फ मैं ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ इसके नहीं, तो ये फाइव प्लस टू माइनस वन, ताकि ऊपर मैं आसानी से चेक कर लूँ मेरा ऑप्शंस, तो फाइव प्लस टू माइनस वन हमें ऑप्शन सेम ही मिल रहा है। अब यहाँ पर माइनस टू होने की वजह से ये भी डिस्कार्ड हो जाता है, ये भी माइनस टू होने की वजह से डिस्कार्ड हो जाता है, और जो लास्ट कोफिशिएंट था वो माइनस वन था, यहाँ पर प्लस दे रखा था, तो इस वजह से ये भी डिस्कार्ड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर एक ही करेक्ट ऑप्शंस है।